कृषि कानून पर रार है और रार के बीच में एक नया किरदार भी है और किरदार है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। कल मुलाकात हुई है सरकार से, गृह मंत्री से, कैप्टन साहब की, तो लगता है कि कुछ नाम ही कैप्टन है तो कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, समाधान निकलेगा। क्या पता भाई क्या निकलेगा, हमें तो जानकारी अभी है नहीं। जो भी बातचीत करेगा आदमी, ठोस बातचीत करियो, कच्ची ना करियो कोई भी, बिचौलवा बहुत है यहाँ पे। एक बार आकर फिर उनका तब पता नहीं चलते, फोन भी बंद कर ले अपने। तो कैप्टन बिचौलिया है, कैप्टन को नहीं कहा हमने, बहुत को कहा, कहीं आवेगी हमारी सीधी बात है, मगर कर लो, अब मैंने किसी को नहीं करते, कर लो। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, सकारात्मक है या फिर सियासी है, क्या है ये पूरा जो चल रहा है? क्योंकि 10 महीने से तो आप भी बैठे हैं। आप बैठे 10 महीने, आपसे बात तो नहीं हुई सरकार की, लेकिन कैप्टन साहब आपके बिना पे बात कर रहे हैं। ना हमारे से तो बात कैप्टन साहब की हुई, लेकिन उन्होंने कहा है ना कि खेती कानून MSP को लेकर के बातचीत हुई है उनकी गृह मंत्री से। हाँ नहीं ठीक है, बातचीत होनी चाहिए। तो बातचीत आप कर रहे हैं क्या कि हो नहीं रही है, आपसे नहीं हो रही है, उनकी हुई है। तो जो समाधान अगर उनकी बातचीत के जरिए अगर कानून हमारा ये है कि 3 काले कानून वापसी, MSP पे गारंटी कानून, बिजली अमेंडमेंट बिल, सीड बिल, ये मसले सारे हैं। 2 चीज पहले हो जाए, कानून वापसी हो जाए और MSP पे गारंटी कानून हो जाए, एक कमेटी बन जाए और मसलों पर कमेटी बात कर लेगी, इस पे धरना समाप्त हो जाएगा। ये भारत सरकार से बातचीत हुई थी पहले। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी जो ट्वीट है वो भी यही कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून की वापसी और MSP पर कानून बनाने को लेकर के उनकी बातचीत हुई है। तो अगर उस पर बात बनती है तो सड़क खाली हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, मुकदमे भी तो है, मुकदमे को कौन लेगा वापसी। मुकदमे है ये जो 40,000 मुकदमे लिख रहे, कौन लेगा ये भी, इसी में ये मुकदमे भी। कोई बातचीत सरकार से करने जाएगा तो हमारे से भी बात कर लियो, हमारे क्या क्या मसले है, खाली ना बात करियो। लेकिन ये जो पूरा पंजाब में भी चुनाव है, उससे पहले जो सियासत चल रही है, आपको लग रहा है क्या कि उसी बहाने सही आपकी समस्याओं का समाधान होगा या फिर बातें कहीं ना कहीं और किसी डायरेक्शन में जाएगी? भाई क्या पता, पॉलिटिशियन वाले कहीं की बात कहाँ से लावे, हम तो राजनीति से दूर है, हमें ज़्यादा मसलों का पता नहीं लगता है। इसकी कहाँ बात हो रही यार, तो बहुत आदमी आओ जहाँ जी, भारी सिद्धि बात है सरकार से, भारी सिद्धि बात है सरकार से, हम भी क्यों किसी को रख कर, भाई तेरी बात है तू कर ले, कर ले। आप कह रहे थे क्योंकि सरकार अपनी तरीके से चलती है, हाँ तो कोई संख्या कुछ बनाती है जिसमें वो सरकार जो भी बात करने जाओ उसे फंसा ले वो जाड़ में, ठीक है, वो 8 का अंक बनाती है। और 8 का अंक ऐसा है कि चोर अगर चोरी करके चले जाए और वो 8 के अंक में को घूम जाए तो जो पुलिस का स्क्वाड डॉग भी है ना वो भी ऐसे ही घूमता रहेगा, और चोर उछर के बाहर चला जाए उसे पकड़ नहीं पाता हो। तो सरकार घुमाती है, तो जो भी बातचीत करने जाएगा वो सोच समझ कर बातचीत करने जाए, सरकार के जाड़ मना बस जाए। किसान को भी कंडीशन है, खाली 10 महीने से यही नहीं बैठे हम, क्या कंडीशन, जो कंडीशन पहले थी वही आज है। 3 कानून वापसी, MSP पे गारंटी कानून, मुकदमे, ये पहले बातचीत होगी, उसके बाद में कमेटियाँ जो भारत सरकार से बातचीत करेगी और मामलों पर, सीट बिल है ये, तो ये सारे मामले। और पंजाब के लोग हैं सारे, जत्थेबंदी है, संयुक्त मोर्चा है, अगर किसी को बातचीत करनी होगी तो उनसे भी पहले बात कर ले कि मैं सरकार से किस संबंध में और बात करूँ। तो आपको क्या लग रहा है क्या कि ये जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है या जो रास्ता बनाया जा रहा है उसमें किसानों की सहमति नहीं है? नहीं नहीं, हमारे से किसी ने बात नहीं करी भाई,
आदमी कोई पंच बन के जाएगा तो दोनों से ही तो बात करेगा, उनसे भी बात कर रहा है, यहाँ से भी बात कर रहा है, कोई जो बिछोरवा रहेगा तो बातचीत तो करेगा ना। तो आपको इस बात का दर्द है कि आपसे बात नहीं? नहीं नहीं, हमें नहीं दर्द है, हमें दर्द क्या होता, हमें कोई दर्द नहीं है। हमारा ऐसा लगा के जेड तक कोई भी समाधान निकाल ले, वो कोई भी आदमी हो, इसका समाधान निकलना चाहिए। चलिए, तो कह रहे हैं राकेश टिकैत कि समाधान निकलना चाहिए, कोई भी निकाले उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समाधान निकले, और समाधान जब तक नहीं निकलेगा, जब तक इनसे बात ना हो और सरकार दोनों से बात ना हो, तो जो भी बात करने जाए, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, वो दोनों पक्षों से पहले मिले और फिर जा कर के बात करें।